गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCET ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 13 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है रेस्ट एंड इन मोशन। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पोजिशन पर और कोई मोशन में हो। मेक अ लिस्ट ऑफ दैट थिंग्स दैट यू सी अराउंड। अब अपने आसपास आप देखिए, आप क्या क्या देख सकते हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। ट्रीज देख सकते हैं हम, काइट देख सकते हैं, बटरफ्लाई देखते हैं हम, बटरफ्लाई लिख सकते हैं, और हम देखते हैं डेस्क देखते हैं, चेयर देखते हैं, कॉपी देखते हैं, पेन देखते हैं, और हम डॉग को देखते हैं, स्टूडेंट्स यानी अगर हम चिल्ड्रन लिखें तो बच्चे देखते हैं हम, और आप क्या क्या लिख सकते हैं, यूटेंसिल्स को देखते हैं यानी बर्तन को देखते हैं, और हम कार को देखते हैं, और हम बाइक को देखते हैं। तो हम ये इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो हमने लिखे हैं। अब आपको बताना है विच ऑफ दीज आर मूविंग और विच आर एट रेस्ट। आपको आपको बताना है कौन सी रेस्ट पे है, कौन सी मोशन में है। ट्रीज आपको पता है रेस्ट पोजीशन पे, एक ही जगह से हिलता डुलता नहीं है, और जो काइट है वो थोड़ी हिलती डुलती है, हम उसे उड़ा सकते हैं, वो मोशन में है। आपको पता है कार जो है, सॉरी, जो हमारी डेस्क है वो हमारी रेस्ट पोजीशन पे नहीं हिलती, पर जो कार है वो मोशन में है। हमारी जो चेयर है वो भी रेस्ट पे है, पर जो चिल्ड्रंस हैं वो मोशन में है। और हम लिख सकते हैं जो हमारी कॉपी है वो रेस्ट पे है, पर जो डॉग है वो हमारा मोशन में है। हमारा जो पेन है वो रेस्ट पे है, पर जो हमारे जो बटरफ्लाई है वो हमारी मोशन में है। तो आप ये टेबल लिख लेंगे। अब आपने कैसे डिसाइड किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट पे है? आपने देखा होगा कि आपने नोटिस किया होगा जो काइट है वो एक जगह से दूसरी जगह हमें दिख जाती है दूसरे टाइम पे। अगर हमने एक जगह यहाँ पे देखा तो वो दूसरी जगह उड़ के इधर चल जाती है, तो मोशन में है। पर जो ट्री है वो अगर हम यहाँ देखें तो यहीं पे रहता है और कहीं नहीं जाता। ट्री इज़ द सेम प्लेस। और इसी बेसिस पे आपने डिसाइड करा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई मोशन में है। तो ये जो आपकी आसान सी आज की वर्कशीट थी वो कम्प्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।